गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम बोरन में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 12, वी आर ऑल इक्वल। क्या है इसका मतलब? वी हम, आर हैं, ऑल मतलब सब, इक्वल मतलब बराबर, हम सब बराबर हैं, ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है, ऑल आर इक्वल। ठीक है, स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। संजय ग्रैंड मदर लिव्ड इन अ विलेज। कौन सा टेंस है सभी बच्चे मुझे बताइए, कौन सा टेंस है? लिव्ड है मतलब वर्ब की पास्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनेट। तो संजय की दादी माँ, ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ, संजय की दादी माँ विलेज में रहती थी, गांव में रहती थी। संजय लिव्ड इन द सिटी ऑफ दिल्ली विद हिज पेरेंट्स। और जो संजय था वो अपने माता पिता के साथ कहाँ रहता था? दिल्ली में रहता था। फॉर सम टाइम हिज ग्रैंड मदर हैड नॉट बीन फीलिंग वेल। तो कुछ समय से, कुछ समय के लिए या कुछ समय से, हिज ग्रैंड मदर उसकी जो दादी माँ थी, हैड नॉट बीन फीलिंग वेल। तो जो उसकी दादी माँ थी वो कुछ टाइम से क्या अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, उनको ठीक नहीं लग रहा था। ये कौन सा टेंस है यहाँ पे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि देखिए हैड बीन आ रहा है और फीलिंग वर्ब में आईएनजी आ रहा है, और फॉर सम टाइम्स का मतलब यही है, कुछ समय से जो उसकी दादी माँ थी वो ठीक महसूस नहीं कर रही थी, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, ये ठीक नहीं थी। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। सो संजय फादर डिसाइडेड टू ब्रिंग हर टू दिल्ली टू गेट हर प्रॉपर चेकअप डन इन अ बिग हॉस्पिटल। सो इसलिए संजय फादर मतलब संजय के पिताजी ने, या संजय के पापा ने, डिसाइडेड मतलब निश्चय किया, उन्होंने डिसाइड किया टू ब्रिंग हर मतलब उन्हें लाने के लिए टू दिल्ली, कि वो ने कहाँ लिया है? दिल्ली लिया है। इन अ बिग टू गेट हर प्रॉपर चेकअप, ताकि वो उनका एक प्रॉपर ठीक तरीके से चेकअप करा सकें, डन इन अ बिग हॉस्पिटल, ताकि वो बड़े हॉस्पिटल में उनका अच्छे से चेकअप करा सकें, क्योंकि वो विलेज में रहती थी और विलेज में कोई अच्छे से चेकअप तो होते ही नहीं है, या अच्छे अच्छे हॉस्पिटल नहीं होते हैं, इसलिए वो उनके इलाज के लिए, उनका प्रॉपर चेकअप कराने के लिए उनको दिल्ली लिया, उन्होंने दिल्ली लाने का निश्चय किया। आगे पढ़ते हैं। बीइंग अ बिग मेट्रो सिटी मतलब एक बड़ी मेट्रो सिटी होने के नाते, जो दिल्ली है वो कैसा है? जो दिल्ली है वो एक बिग मेट्रो सिटी है। देयर वर गुड मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल इन दिल्ली, और दिल्ली में मेडिकल फैसिलिटीज अच्छे से अवेलेबल होती हैं, अच्छी होती हैं। ठीक है, बड़ा शहर है, मेट्रो सिटी है, तो अच्छे से सारी जो फैसिलिटीज होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। आगे पढ़ते हैं। दादी एज सून एज संजय सॉ हिज ग्रैंडमदर ही रेन टुवर्ड्स हर एंड हग्ड हर लविंगली। एज सून एज मतलब जैसे ही, संजय सॉ हिज ग्रैंडमदर, संजय ने अपनी दादी माँ को देखा। कौन सा टेंस है बच्चों यहाँ पे? पास्ट इंडेफिनिट, देखा। ही रेन टुवर्ड्स हर तो वो उनकी तरफ भागा, एंड हग्ड हर लविंगली और उन्हें प्यार से उसने क्या किया? गले लगाया। ग्रैंड मदर टू पिक्ड अप हिम इन हर लैप, और ग्रैंड मदर ने उसे अपनी गोदी में उठाया। आफ्टर शी हैड हर बाथ एंड ईटन लंच शी वेंट इनसाइड टू लाई डाउन। अब जब उन्होंने जब वो नहा ली और उन्होंने लंच खा लिया, मतलब लंच कर लिया और नहा ली, शी वेंट इनसाइड टू लाई डाउन, तो वो अंदर लेटने के लिए चली गई। संजय टू वेंट टू लाई डाउन विद हर, टू मीन्स भी ऑल्सो, तो संजय भी उनके साथ लेटने चला गया। ग्रैंड मदर टोल्ड हिम मैनी स्टोरीज, ग्रैंड मदर ने उसे कई कहानियाँ सुनाई बताई। अब दादी माँ है, दादी माँ को कैसे अपना प्यार दिखाती हैं? कहानियाँ सुनाकर, अच्छी अच्छी स्टोरीज बताकर, महान लोगों के बारे में आपको बताती हैं। संजय लव्ड हर स्टोरीज, संजय ने उनकी स्टोरीज को प्यार किया, मतलब संजय को उनकी स्टोरीज पसंद आई।
आप ये देख रहे हैं ना, जब भी हम स्टोरीज पढ़ते हैं तो मोस्टली जो स्टोरीज होती हैं वो किस में होती हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं, पास्ट में होती हैं, क्योंकि वो काम हो चुका होता है, वो काम हो गया है, पास्ट में होती हैं। दे वर फुल ऑफ फेरीज जायंट्स गॉड्स एंड गॉडेस। अब जो कहानियाँ थी वो किससे भरी हुई थी, किसकी थी, परियों की थी, जायंट्स मतलब दानवों राक्षसों की थी, गॉड्स देवताओं की थी, गॉडेस मीन्स देवियों की थी। तो इन सब की कहानियाँ जो ग्रैंड मदर थी उसकी, वो संजय को सुनाती थी। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट डे अगले दिन एक्स ग्रैंड मदर वॉज गोइंग टू डू पूजा। अगले दिन जो ग्रैंड मदर थी वो कहाँ जा रही थी, पूजा करने जा रही थी, इन अ नियर बाई टेम्पल, जो मतलब उनके घर के पास जो टेम्पल था, घर के पास जो मंदिर था, वो वहाँ पर पूजा करने जा रही थी। संजय ऑल्सो वेंट विद हर, संजय भी उनके साथ गया। एज दे वेंट आउट द गार्डनर गोपाल काका वॉज वॉटरिंग द प्लांट्स। एज मीन जैसे ही, दे वेंट आउट मतलब वो बाहर गए, कौन बाहर गए, संजय और संजय की दादी माँ। द गार्डनर गोपाल काका, तो जो उनका माली था वो क्या नाम था उसका, गोपाल काका, वॉज वाटरिंग द प्लांट, वो क्या कर रहे थे, पानी, पौधों को वाटर दे रहे थे, पौधों को पानी दे रहे थे। कौन सा टेंस है वॉज वाटरिंग मीन्स, कौन सा टेंस है जल्दी बताइए मुझे, पास्ट कंटिन्यूस, दे रहे थे। दादी साड़ी टच्ड हिज बैग, तो दादी की जो साड़ी थी, दादी की जो साड़ी थी वो किससे छुप गई, उनके पीठ से छुप गई। देवा देवा लुक व्हाट यू हैव डन, तो उसकी दादी इतनी तेज चिल्लाई, देवा देवा इसको बोलते ना, देवा देवा लुक व्हाट यू हैव डन, देखो तुमने क्या कर दिया है, व्हाट यू हैव डन है ना, तो कर दिया है, देखो देखो, देवा देवा देखो तुमने क्या कर दिया है। She shouted at him, वो उस पर चिल्लाई। Now, अब I will have to take bath again, अब मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा, अब मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा, will have to है ना, तो will have to की हिंदी कैसे निकलती है बच्चों, करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा में निकलती है, जैसे will have to eat मतलब खाना पड़ेगा, will have to go means जाना पड़ेगा, इसलिए यहीं पर है, will have to take bath means नहाना पड़ेगा। देखिए आगे बच्चों, एंग्रीली ग्रैंड मदर वेंट इनसाइड टू बेथ अगेन, मतलब जो ग्रैंड मदर थी वो दादी जी फिर अंदर नहाने के लिए, एंग्रीली मतलब गुस्से में चली गई। गोपाल काका स्टूड देयर शीपिशली फॉर सम टाइम बिफोर गोइंग आउट ऑफ द हाउस, मतलब गोपाल काका वहाँ पर चुपचाप थोड़ी देर के लिए खड़े रहे, मतलब घर के बाहर जाने से पहले वो वहाँ पर थोड़ी देर खड़े रहे, क्योंकि वो घर में जो गार्डन होता है वहीं पर वो पानी दे रहे थे, तो वो उनकी चुपचाप उन्होंने डांट सुनी और वहाँ पर थोड़ी देर खड़े रहे, क्वाइटली मतलब चुपचाप खड़े रहे। संजय कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई ग्रैंड मदर हैड टू बेथ अगेन इफ गोपाल काका'स बैग टच्ड हर साड़ी। संजय कुड नॉट अंडरस्टैंड मतलब संजय समझ नहीं सका Why, क्यों ग्रैंड मदर हर्ड टू बेद अगेन, कि ग्रैंड मदर को दोबारा क्यों नहाना पड़ा। अब देखिए, अभी हमने विल हैव टू देखा, अब हैड टू का मीनिंग होता है पड़ा, हैड टू का मीनिंग क्या होता है पड़ा, और हैव टू और हैज टू का मीन्स क्या होता है पड़ा है। इफ अगर गोपाल काका बैग मतलब गोपाल काका की पीठ टच्ड हर साड़ी, अगर उसको ये समझ में नहीं आया कि अगर गोपाल काका की जो पीठ है वो उनकी साड़ी से छुप गई तो दादी माँ को दोबारा क्यों नहाना पड़ा, ऐसा तो नहीं है हमारी पीठ भी एक दूसरे से छुप जाती है लेकिन हम थोड़ी ना दोबारा नहाने चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता ना। ही वेंट टू हिज मदर एंड आस्क्ड हर, मतलब वो अपनी माँ के पास गया एंड आस्क्ड हर और उससे उनसे पूछा। हिज मदर टोल्ड हिम, तो उसकी जो मदर थी उसकी मम्मी थी उन्होंने उसे बताया। गोपाल काका इज अ गार्डनर, गोपाल काका कौन है, माली है, गार्डनर मीन्स माली, जो गार्डन की क्या करता है रखवाली करता है, पौधों की रखवाली करता है। दादीज रिलीजन बिलीव से दैट इफ एन अनटचेबल पर्सन द
touches you, then you have to purify yourself again by bathing again. तो जो दादी का धर्म है, जो दादी का धर्म है, जो दादी का विश्वास है, या दादी का जो धर्म है, वो ये कहता है कि अगर कोई अछूत पर्सन, क्योंकि वो दादी माँ है, वो एक रिच पर्सन है, वो गार्डनर है, तो वो उनके लिए क्या है, अछूत पर्सन हुए, जो अनटचेबल पर्सन है, जिसको हम छू नहीं सकते, छूने योग्य नहीं है वो. तो जब ऐसे लोग हमसे छुप जाते हैं, तो हमें दोबारा नहाकर खुद को क्या करना पड़ता है, प्यूरिफाई करना पड़ता है, मतलब शुद्ध करना पड़ता है. हैव टू आ गया ना यहाँ पर, पड़ता है. दैट इज वाई शी हैज गोन टू हैव बाथ अगेन. इसी वजह से दैट्स वाई बोलते हैं ना, दैट्स वाई, इसी वजह से दादी माँ को दोबारा नहाने, दादी माँ दोबारा नहाने के लिए गई है. उन्होंने कहा दादी का धर्म कहता है कि अगर कोई अछूत व्यक्ति उनसे छुप जाता है, तो उनको खुद को नहाकर शुद्ध करना पड़ता है. आगे पढ़ते हैं. संजय डिड नॉट लाइक वॉट ही हर्ड. संजय ने जो भी सुना, ये संजय की माँ ने जो भी उसे बताया, उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी. स्टिल ही कैप्ट क्वाइट, लेकिन फिर भी वह चुप रहा. बिकॉज, क्योंकि he did not want to annoy his grandmother who was unwell. क्योंकि वो अपनी दादी माँ को नाराज नहीं करना चाहता था, जो ठीक नहीं थी. क्योंकि अगर वो उनसे बहस करता, उनसे आर्ग्यू करता, तो दादी माँ उससे गुस्सा हो जाती, और गुस्सा हो जाती तो वो ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि वो ठीक नहीं थी, और वैसे ही उनकी तबीयत खराब है, और आप उन्हें और गुस्सा कर दें तो ये क्या होगा, गलत बात होगी. इसलिए उसने इस बात को यहीं पर छोड़ दिया, उसने उस बात को लेकर ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं किए. ठीक है. अ फ्यू मोर डेज पास्ट, मतलब कुछ दिन और बीत गए. अब इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे. ठीक है. आज आपको इतनी स्टोरी जो मैंने आपको पढ़ाई है, उसको अच्छे से रीड करना है, और वर्ड्स वगैरह को समझना है, टेंस भी अपने क्लियर करने हैं. गुड बाय एवरीवन.